हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और मुझे आपकी कुछ क्वेरीज मिली हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है आपसे आर्मी पब्लिक स्कूल के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और प्लीज़ कमेंट्स करें अगर आपकी कोई क्वेरी हो जो वीडियो में कवर ना हो पाई हो। तो आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा कि ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि स्कोर कार्ड मिलने के बाद क्या करना है, बट हम इस वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे जो आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से आया है। दूसरा हम ये देखेंगे कि वेयर एंड हाउ टू अप्लाई फॉर इंटरव्यू, और हमें कैसे पता चलेगा और कैसे हमें अप्लाई करना है। वेयर टू लुक फॉर वैकेंसीज, वैकेंसीज कैसे कैसे पता चलेंगी, कितने स्कूल्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर इंक्रीजिंग दी वैलिडिटी ऑफ AWS स्कोर कार्ड, कौन कौन से चीज़ों का हमें ध्यान रखना है AWS की वैलिडिटी इंक्रीज करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको इस वेबसाइट से डाउनलोड करना है APSASB.IN, जो मैंने आपको पहली पहली वीडियोस में भी बताया था। तो यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने पासवर्ड और अपना ईमेल आईडी उधर डालना है। ओके, तो इधर लॉगिन करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आएगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। जिनको पासवर्ड याद नहीं है वो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। जब आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपके अकाउंट पे, ईमेल अकाउंट पे एक लिंक सेंड होगा, वहां से आप पासवर्ड, नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो यहां पर लॉग इन करके आपको एक और इंटरफेस नजर आएगा जहां पर लिखा होगा कि प्रिंट एडमिट कार्ड, प्रिंट फॉर्म एंड डाउनलोड स्कोर कार्ड। वहां से आपको डाउनलोड करना है स्कोर कार्ड को और उसे PDF फॉर्मेट में सेव करना है। अब यहां पे क्वेरी नंबर फर्स्ट आती है स्टूडेंट्स की, कि उनकी ये क्वेरी है कि जो स्कोर कार्ड है उसमें परसेंटेज की फॉर्म में लिखे हैं। एक्चुअली यही आपका फाइनल स्कोर कार्ड है, इसके अलावा आपको कोई और स्कोर कार्ड आर्मी पब्लिक स्कूल नहीं देगा। इसे लैमिनेट करा के आप फ्यूचर के लिए सेव करके रख लें। तो आपकी जो परसेंटेज है वही आपका स्कोर कार्ड है। इधर स्कोर कार्ड का मतलब यही है कि आप 50% से अबव लेके आ रहे हैं तो आपने क्वालिफाई कराया है। तो चाहे पार्ट ए हो उसमें भी 50% से आपके ज़्यादा हो, चाहे 50.1% ही क्यों ना हो, या पार्ट बी है तो उसमें भी 50.1% ही क्यों ना हो, आप क्वालिफाई हैं, मतलब अबव 50% क्वालिफाइड हैं। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 50% से ऊपर हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। तो अब यहाँ पे क्वेरी नंबर टू आती है कि किन्हीं कुछ बच्चों का पार्ट बी क्वालिफाई नहीं हुआ है बट पार्ट ए क्वालिफाई हुआ है TJT PGT का। तो अब वो पूछ रहे हैं कि क्या वो PRT के लिए एलिजिबल है। हाँ, आप PRT के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं वीडियो के एंड में ये डिस्कस करूंगी कि आप PRT के लिए तो एलिजिबल हैं बट आपको उसके लिए क्या करना है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं जो CBSE से एफिलिएटेड हैं। तो मतलब आप सिर्फ इन 137 स्कूल्स में ही अप्लाई कर सकते हैं PGT TGT और PRT के लिए। फिर आ जाता है कि कैंडिडेट्स को एक इशू हुआ है स्कोर कार्ड, जिसे ही आप यूज़ करेंगे टीचर्स पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। आपको इस स्कोर कार्ड को प्रिजर्व करके रखना है, इसे लैमिनेट करा लें फ्यूचर यूज़ के लिए। जो स्कोर कार्ड में आपके मार्क्स हैं वो आपको रिमेनिंग स्टेजेस के लिए एलिजिबल बनाता है। तो मैंने बताया कि अगर आपको एलिजिबल बनना है तो आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, या 50 हैं। अगर उससे कम है तो ऑब्वियसली लिखा हुआ आएगा कि स्कोर कार्ड में कि यू आर फेल्ड। बट अगर 50.1% भी, मतलब 0.1% भी अगर आपका ज़्यादा है तो आप पास हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बच्चे PRT के लिए एलिजिबल होंगे, कुछ TGT के लिए, और जिनके दोनों पार्ट्स क्लियर होंगे वो TGT और PGT। इस तरीके से आपका क्वालिफिकेशन होगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, अब यहाँ से बिल्कुल ध्यान से सुने, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो यहाँ से वो ध्यान लगाए, और जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उन्हें तो पूरी वीडियो पे ही ध्यान देना था। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू लुक फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पर क्वेरी नंबर थ्री आती है जो ये पूछी गई थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज निकल रही हैं। तो आपको वैकेंसीज देखनी है वेबसाइट की, रिस्पेक्टिव आर्मी पब्लिक स्कूल्स की। तो जो भी 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं उनकी खुद की वेबसाइट्स हैं। जब वो वहाँ पर नोटिफिकेशन डालेंगे जब भी उनके यहाँ पर वैकेंसी निकलेंगी। एक तरीका तो ये है, बट ये थोड़ा सा टीडियस तरीका है कि 137 स्कूल्स में वैकेंसीज देखना, जिनके ऑप्शंस ज़्यादा हैं, जो रिलोकेट करना चाहते हैं उनके लिए टीडियस है। बट जो अपने आसपास के लोकेलिटी में ही सर्च करना चाहते हैं वो वेबसाइट चेक कर सकते हैं। मुश्किल से 5-6 वेबसाइट्स आपको आर्मी पब्लिक स्कूल की चेक करनी पड़ेंगी। तो दूसरा तरीका, जो ईजीएस्ट
तरीका है वो है मेरे चैनल के साथ बने रहे। मैं अपने चैनल पर जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज निकलेंगी, जिस भी स्टेट की, जिस भी स्कूल की, वो मैं अपलोड करती रहूँगी। और तीसरा तरीका है कि न्यूज़पेपर में एम्प्लॉयमेंट सेक्शन देखते रहें, क्योंकि ये न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स हमेशा निकालते हैं जब भी इनके यहाँ कोई वैकेंसी आती है। तो आप न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट पे भी ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म्स विल हैव टू बी सबमिटेड टू दी कंसर्न स्कूल ओनली। अब ये नहीं है कि आर्मी पब्लिक स्कूल एक मध्य प्रदेश में, उसका फॉर्म निकला और हमने जी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली में, तो यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जिस स्कूल का फॉर्म निकला है आपको वहीं पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। मीन्स जिस स्कूल की वैकेंसी निकली है, जिस स्टेट की, उसी रिस्पेक्टिव स्कूल में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि किस स्कूल की वैकेंसी निकल रही है और उसी स्कूल की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। यू मे कॉन्टैक्ट आर्मी पब्लिक स्कूल ऑफ योर चॉइस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन डेट्स एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यूज एक्सेट्रा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि स्कूल्स को पता होता है कि उन्हें वैकेंसी कब निकालनी है और कितनी निकालनी है, तो एक हेल्प डेस्क भी होता है हर स्कूल का, जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली, तो उनका एक हेल्प डेस्क होगा। वहाँ पर वो अपना ई मेल अकाउंट और कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं जो टोल फ्री होते हैं। तो आप ई मेल अकाउंट पर अपनी क्वेरी उन्हें सेंड कर सकते हैं कि जी मैंने अप्लाई किया था, तो आप अप्रॉक्सीमेटली या अराउंड कब तक वैकेंसीज रिलीज करेंगे। तो इससे आपको एक आइडिया चल जाएगा, पता कि चलो वो इतने मंथ के बाद, ये वाला जो स्कूल है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो इतने मंथ के बाद वैकेंसी रिलीज करेंगे। तो मैं अपने मन में माइंड सेट करके रखूंगी कि मुझे यहाँ पर इतने मंथ के बाद अप्लाई करना है, और उसका बीच का टाइम पीरियड मैं प्रिपरेशन करने में लगा दूंगी। तो आप जिस भी एक दो स्कूल को आपने चूज कर रखा है, आप वहाँ पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हैं कि आप वैकेंसीज कब निकालेंगे, सो दैट वी कैन अप्लाई। ठीक है, तो यू मे कॉन्टैक्ट आर्मी पब्लिक स्कूल ऑफ योर चॉइस फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन डेट एंड वेन्यूज ऑफ इंटरव्यूज। स्कूल कॉन्टैक्ट नंबर्स आर गिवन ऑन द स्कूल वेबसाइट, जो मैंने अभी बताया, और AWES की वेबसाइट पे स्कूल्स के नंबर्स हैं, स्कूल के नेम्स हैं। वैलिडिटी, द CSB स्कोर कार्ड इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर्स। तो ये तो हमने डिस्कस किया था कि 3 ईयर तक वैलिड है। अब हमें यहाँ पर नोट देने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रॉपर जो अब आर्मी पब्लिक स्कूल ने नोटिफिकेशन निकाला है, उसके हिसाब से आप वैलिडिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये डाउट भी पूछा था कि 3 साल के बाद, या अगर मैं पहले से CBSE स्कूल में पढ़ा रही हूँ, जरा मैं इसे क्लियर करती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, कि एक टीचर हैं, वो लास्ट 4-5 ईयर्स से पढ़ा रही हैं, जितने भी साल से स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा रही हैं, तो उनका ये डाउट है कि आज मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है तो क्या ये लाइफ टाइम वैलिड हो गया। नो, वो आप पढ़ा चुके हैं, बट आज मुझे स्कोर कार्ड मिला है तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आज से काउंट होगा स्कोर कार्ड मिलने से। ठीक है, तो आज से मुझे 9 मंथ्स तक पढ़ाना है रेगुलरली किसी भी CBSE स्कूल में। तो जो 9 मंथ्स हैं वो प्रोडक्टिव 9 मंथ्स होने चाहिए, उसमें ये जो वेकेशंस होती है, समर वेकेशंस, ये सब काउंट नहीं होती, तब आपका स्कोर कार्ड वैलिड होगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि पूरे मतलब अगर मैंने अप्लाई किया है तो क्या, अगर मैं नर्सरी या KG को पढ़ाती हूँ तो मेरा स्कोर कार्ड का वैलिडिटी इंक्रीज़ होगा। आपको PRT, TGT या PGT लेवल तक का पढ़ाना है, मीन्स फिफ्थ से लेकर अगर आप 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं 1 साल तक, तभी जो स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी इंक्रीज़ होगी। नर्सरी, KG, फर्स्ट ये काउंट नहीं होंगे। ठीक है, PRT लेवल तक काउंट होगा, अप टू 6, मतलब फर्स्ट टू 6th क्लास अगर आपने पढ़ाया तो PRT, अबव दैट इज TGT, 7th to 10th क्लास, एंड 11th 12th इज PGT। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि आप किस क्लास को पढ़ा रहे हैं नेक्स्ट 1 ईयर में अपनी एलिजिबिलिटी को, इसको इंक्रीज करने के लिए स्कोर कार्ड की वैलिडिटी को। तो अब देख लेते हैं, कैंडिडेट शुड हैव सर्वड इन एनी CBSE रिकोगनाइज स्कूल विद इन 3 ईयर्स। तो ये मैंने बताया कि अब से स्कोर कार्ड मिलने से आपको 1 साल तक पढ़ाना है 3 साल के अंदर। द एम्प्लॉयमेंट शुड बी अनब्रोकन सर्विस, जैसे अभी मैंने बताया कि ये नहीं 2 महीना पढ़ाया फिर छोड़ के किसी और स्कूल में पढ़ा लिया, फिर उधर से छोड़ के 3 मंथ्स किसी और स्कूल में पढ़ा लिया, तो वो वैलिड नहीं है, वो काउंट नहीं होगा। आपके 9 कंटिन्यूस मंथ होने चाहिए अकेडमिक सेशन के किसी स्कूल में। ठीक है, 9 कंटिन्यूस मंथ्स, तो मीन्स बीच में जो 2 मंथ्स का जो गैप होता है समर वेकेशंस का, वो काउंट नहीं होगा।
नेक्स्ट शुड हैव सर्व्ड एट द लेवल, जैसे मैंने अभी बताया कि ये ना हो कि आपने नर्सरी के जी या प्री स्कूल में पढ़ाया है तो वो सब काउंट नहीं होगा. आपका जो लेवल है टीचिंग का वो PGT, TGT या PRT या उससे अबव लेवल हो सकता है. ओके, तभी स्कोर कार्ड की वैलिडिटी इंक्रीज हो. नेक्स्ट ये नोट है द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज. अब जो मेरी फोर्थ फिफ्थ क्वेरी थी मेरे उस पे लास्ट वीडियो पे, वो ये थी कि वैकेंसीज कितनी हैं. तो वैकेंसीज इन्होंने अभी अनाउंस नहीं की है, बट उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वैकेंसीज किस हिसाब से होंगी. तो लास्ट जो 2 साल थे उसमें जो वैकेंसीज थी कैटेगरीज की, वो 2315 और 2169 थी. मतलब लास्ट ईयर 2169 और लास्ट टू लास्ट ईयर 2315 वैकेंसी थी, 137 स्कूल्स की मिलाकर. उसमें PGT, PRT, TGT तीनों थे. ठीक है, तो इसी हिसाब से वैकेंसीज इस बार की भी हो सकती हैं. तो मतलब 50-60 वैकेंसी एक स्कूल में आ सकती हैं. अब हम लिस्ट देख लेते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल का लिस्ट पे, क्योंकि आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको पता है कि आप किस स्टेट में हैं, उस स्टेट में कितने आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं, वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, वो आपके घर से कितनी दूरी पे हैं, क्या वहाँ पे इजीली आप अप डाउन करके पढ़ा सकते हैं या नहीं. तो आपका जो फर्स्ट टास्क होना चाहिए वो ये होना चाहिए आपकी सक्सेस की तरफ, कि अगर आपने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम तो आपको लिस्ट बनानी है कि आपके आसपास कितने आर्मी स्कूल्स हैं जिसमें आप अप्लाई करने के इच्छुक हैं, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं. उन लिस्ट को बनाने के बाद आप उनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स को हर एक वीक के बाद चेक करते रहें, या फिर मैं अपने चैनल पे तो अपलोड करती ही रहूँगी. तो जैसे देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, APS पुणे, किरकेट, दीघी, देहू रोड, मुंबई. तो जैसे कोई मुंबई में है तो मुंबई मुंबई ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, तो आप क्या करेंगे कि आपके आसपास लोकेलिटी में 1 घंटे, जहाँ तक आप 1 घंटे की दूरी तय कर सकते हैं, उतना स्कूल का आप एक लिस्ट बना लें और उनकी वेबसाइट्स चेक करते रहें. तो देखिए APS रांची, कानपुर, हिसार, लालगढ़, आगरा, बरेली, फैज़ाबाद, लखनऊ. अब ये देखिए कि यूपी में कितनी दूर दूर हैं आर्मी पब्लिक स्कूल्स. तो कोई भी स्टूडेंट ये कोशिश करेगा कि उसके आसपास के 2-3 स्कूल्स को वो ढूंढ ले, लोकेट कर ले और उसकी वेबसाइट्स को रेगुलरली चेक कर ले. ये फिर बचे हुए आर्मी पब्लिक स्कूल्स की लिस्ट है. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना आप AWS की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो बच्चों का ये था कि हमने हमारा पार्ट बी क्वालिफाइंग नहीं हुआ TGT PGT के जो स्टूडेंट्स से, बट पार्ट ए हो गया है, तो क्या मुझे Paper 1 की ज़रूरत है, CTET Paper 1 की. तो CTET तो किसी भी स्टेज के लिए इसमें मैंडेटरी नहीं था, चाहे PGT हो, TGT हो या PRT हो. तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने TGT के लिए या PGT के लिए अप्लाई किया था बट आप क्वालिफाई नहीं कर पाए और आप PRT के लिए एलिजिबल हैं बट आपके पास CTET नहीं है. तो इधर दिक्कत देने वाली बात नहीं है, बट दिक्कत देने वाली बात आएगी अभी आगे, जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी. कि PRT के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने ये लिखी है कि आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा DLED या फिर BEd होना चाहिए, 4 इंटीग्रेटेड कोर्स, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन में BEd होना चाहिए या DLED होना चाहिए या BLED होना चाहिए, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बैचलर्स ऑफ एजुकेशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन. तो मोस्टली जो TGT और PGT को टारगेट करते हैं स्टूडेंट, वो BEd इनमें नहीं करते, वो अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में BEd करते हैं. तो मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल देके बताती हूँ कि मान लीजिए मैंने एग्जाम दिया और मेरा जो TGT है वो पेपर बी क्वालिफाई नहीं हुआ, पेपर ए क्वालिफाई हुआ है, बट जो मेरी BEd है वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट साइंस में है. तो अब मैं कैसे करूँगी इसको, क्योंकि मैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लाई ही नहीं करती. तो इसका दूसरा तरीका उन्होंने ये दिया है कि अगर आपके पास किसी और सब्जेक्ट में BEd है और आपने PRT के लिए क्वालिफाई किया है, तो आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग के बाद 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना है एलिमेंट्री एजुकेशन में अपॉइंटमेंट के 1 ईयर के अंदर. मतलब कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने BEd किसी और सब्जेक्ट में किया है बट उन्होंने क्वालिफाई कर लिया PRT के लिए और उनका इंटरव्यू भी क्रैक हो गया, तो उनकी ज्वाइनिंग भी वो ले लेंगे आपको, बट आपको उस ज्वाइनिंग के दौरान 6 मंथ्स के अंदर ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा एलिमेंट्री एजुकेशन का. ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लगता है मैंने होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें उन डाउट्स को भी क्लियर कर पाऊँ. गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम.